अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए सेलमैन सीरीज में एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो कि किसी भी सेलमैन के लिए जरूरी हैं। दुनिया का कामयाब तरीन शख्स जो है वो सेलमैन है, और उसको जो हरकतों सकनात कामयाब करती हैं वो आज हम टर्न बाय टर्न बताएंगे। अपनी कॉपी पेंसिलें निकालें, इंशाल्लाह आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, सेलमैन के बारे में कामयाब सेलमैन के बारे में हमने कामयाब सेलमैन की बात करनी है। याद रखना है, कामयाब सेलमैन की बात कर रहे हैं हम। कामयाब सेलमैन बिल्कुल नहीं झिझकता अगर उसको अपनी चीज प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करने के लिए किसी के पांव में बैठना पड़े तो बैठता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पांव में बैठने का मतलब ये नहीं कि उसके पांव छूले, लेकिन उसको जिस लेवल पे भी जाना पड़े वो जाता है, वो सेल करता है हर चीज। काबिलियत होनी चाहिए सेलमैन में कि वो दूसरों की बात को समझ सके कि दूसरे उसको क्या कह रहे हैं और वो चाहता क्या है, उसका क्लाइंट उसका कंज्यूमर चाहता क्या है, तब वो कामयाब सेलमैन बनता है। हम कामयाब सेलमैन की कुछ खसूसियात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कामयाब सेलमैन के लिए एम्पथी होना जरूरी है, उसको हमदर्द होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज आप जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज या चीज सेल कर रहे हैं उसको उस जिसको सेल कर रहे हैं उसकी जरूरत होना जरूरी है। उसकी जरूरत भी नहीं है आप उसको सेल कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। इसलिए आपको एम्पथी होना, हमदर्द होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसका हर पॉइंट, कामयाब सेलमैन की खसूसियात का हर पॉइंट अपने अंदर एक मुकम्मल लेक्चर रखता है, लेकिन अब हम ब्रीफली बहुत शॉर्टली आप लोगों को उनको बताते जाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। पहला, एम्पथी हमदर्द होना चाहिए। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए। जब एक क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन हो रही है तो आपको पता होना चाहिए जो वो वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है, जो वो पूरी डिटेल बता रहा है आपको, अपनी डिमांड्स बता रहा है, आपको फर्म प्रिसाइज कर लेना चाहिए किसकी डिमांड क्या है, प्रेसी हो जानी चाहिए आप में, आपको पता होना चाहिए आपने क्या वर्ड यूज करने हैं। उसको पता होता है, कामयाब सेलमैन को उसको पता होता है, वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि मैंने ये तमाम जो इस वक्त एटमॉस्फेयर बना है इसको मैनेज कैसे करना है। ये कामयाब सेलमैन होता है, हमदर्द होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। तीसरे नंबर पे एक्टिव लिसनर होता है। एक्टिव लिसनर आपका हर चीज में बहुत जरूरी चीज है, एक्टिव लिसनर होना जरूरी है। हमदर्द होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, एक्टिव लिसनर होता है, उसको पता होता है मैंने क्या सुनना है, जो वो कह रहा है वो फौरन समझ आता है किसने ये कहा है और मेरा आगे से ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। हमदर्द, इमोशनल इंटेलिजेंट, एक्टिव लिसनर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चौथी स्किल जो है चौथे नंबर पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पीएचडी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपने कैसे कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट को, कंज्यूमर को, कस्टमर को, अपने सेलर को, जिसको आप चीजें सेल करना चाहते हैं, उसके साथ चैट करें, ईमेल करें, कॉल करें, मैसेजिंग करें, व्हाट एवर सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, जो आप मीडियम यूज करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के लिए करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको कामयाब करती है। उसके बाद है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो सेलमैन होता है, कामयाब सेलमैन होता है, कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है, वो खम ठोक के सीना ठोक के आता है, उसको पता होता है कि मेरे पास नॉलेज है, उसको पता होता है कि मैं ये चीज सेल कर सकता हूं, उसको पता होता है कि मैं ये चीज किस किस बंदे को सेल करनी है।
अगला जो है जी उसको नॉलेज होता है। कामयाब सेलमैन के पास नॉलेज होता है प्रोडक्ट का, उसकी सर्विसेज का, जो चीज वो सेल कर रहा है उसका नॉलेज होता है। इफेक्टिव नॉलेज आपको कामयाब करता है, मुकम्मल नॉलेज आपको कामयाब करता है। आप में दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नॉलेज, और फिर आगे हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो कामयाब सेलमैन है वो इफेक्टिव फ्लेक्सिबल होता है। कैसे? वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव मैनर में, पॉजिटिव मैनर में पॉजिटिव होता है, बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव, उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता है, चीजों को पॉजिटिव ले रहा होता है, और कंस्ट्रक्टिव मैनर में, तामीरी मैनर में उसको मैनेज करता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नॉलेज से भरपूर होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज, सर्विसेज नॉलेज होना चाहिए, और उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसका एटीट्यूड फैंटेस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। सर हमेशा हर शख्स को एक चीज बड़ी जबरदस्त है, हमें लोगों की इसलाह करनी चाहिए। हम लोगों की इसलाह करेंगे, कोई ना कोई शख्स हमारी इसलाह करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जी टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर इंशाल्लाह भरपूर लेक्चर होंगे। टाइम मैनेजमेंट से इंसान कामयाब हो जाता है, नाकाम शख्स कामयाब हो जाता है, नकम्मा शख्स बेहतरीन शख्स हो जाता है, जो मीडियम शख्स होता है वो हाई लेवल पे चला जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से लोग कामयाबी के जीने चढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लोग 40-40 घंटे मजदूर काम करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क के तौर पर देख लें कुछ लोग ऐसे हैं वो कम घंटे काम करते हैं और उनसे मजदूरों से ज्यादा कमाते हैं। क्यों? टाइम मैनेजमेंट किया उन्होंने। आपको कामयाब सेलमैन को टाइम मैनेजमेंट आती है, उसको पता है मेरे क्लाइंट के पास कौन सा टाइम है जब मैंने उसके पास जाना है, मेरा क्लाइंट किस टाइम पे फ्री होता है, किस टाइम पे मेरा क्लाइंट चाहता है कि मेरे से आके कोई वो शख्स मिले सेलमैन जिससे मैंने चीजें खरीदनी है जो मेरी नीड है। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। जो कामयाब सेलमैन है वो हिचकिचाता नहीं है, उसको यहां ले जाओ ए पॉइंट पे, वो फर्म पब्लिक प्लेस पे बोलना शुरू हो जाता है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। उसको बी प्लेस पे चले जाओ, वो वहां पे पब्लिक के सामने बिना झिझक बोलेगा। उसको सी प्लेस पे ले जाओ, वो सी प्लेस पे भी जाके पब्लिक के सामने वैसे ही बोलेगा जैसे ए बी प्लेस पे बोला, क्योंकि वो कामयाब सेलमैन है। उसमें वो जो ऊपर मैंने बताई है, हमदर्द भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, कॉन्फिडेंट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, नॉलेज से भरपूर होता है, इसलाह करने वाला होता है, उसको वो भरपूर होता है, इसलिए वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बोलता है। ये लिखते जाए पॉइंट्स, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, आप कामयाब हो जाएंगे। आपने लोगों में देखे हैं कोई, किसी में दो खसूसियात है, किसी में तीन है, किसी में पांच है, जिसमें सारी खसूसियात आ जाएंगी वो कितना बड़ा बम बन जाएगा। अपने अंदर आग लगाएं, आग आग लगाएं अपने अंदर, ये आग आपको आगे लेके जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जितनी ज्यादा अंदर कामयाबी की आग होगी उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। उसके अलावा ये कामयाब सेलमैन आगे भी इसकी खसूसियात है, वो इंटेग्रिटी बरकरार रखता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है वो। उसके अलावा वो अपने प्रोस्पेक्ट जो होता है, प्रोस्पेक्ट हो, क्लाइंट हो, कंज्यूमर हो, उसके साथ ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल वाइट। अपने क्लाइंट के साथ जो शख्स ऑनेस्ट होगा और क्लियर होगा वो शख्स कामयाब होता है। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट होता है। सर ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। इंसान को अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। ये जो बिलीव सिस्टम है ना, ये भी एक कमाल चीज है। ये निकम्मे शख्स को कामयाब बना देती है। आप लोगों ने देखा है, ये आप देख लें टॉप रेटिंग, टॉप 20 रेटिंग ऑफ सक्सेसर्स, वो लोग जिनको दुनिया ने कहा कुछ नहीं कर सकता, जीरो कख नहीं कर सकता, वो बंदे कामयाब हुए हैं और उन्होंने ऐसा क्लीन स्वीप किया, कामयाबी को ऐसा हिलाया कि कामयाबी के झंडे गड़े। इसलिए अपने